Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sushant Singh. In this video, we will solve the basic of percentages, profit and loss question. The basic question based on the basic concept which we learn. So, if you not cover the basic concept of percentage, profit and loss, please check out my channel where I created a video on percentages, profit and loss, and also I will give into the link in description box so that you can check. So start karte hain ab solution. First question dekhte hain. First question kya bol raha hai? So read karte hain saath mein. One request, if you have not attempted this question, pause the video and attempt the question, then after check the solution or वीडियो सॉल्यूशन देखिए आप. सो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं साथ में. द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 33.33%, बाय व्हाट परसेंट शुड द लेंथ बी इंक्रीज्ड सो एज टू मेंटेन द सेम एरिया. मींस वी हैव टू मेंटेन द सेम एरिया एंड फाउंड आउट करना है व्हाट परसेंट शुड द लेंथ बी इंक्रीज. देखो गाइज, क्या होता है परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में, हम कुछ चीजें को समझने की कोशिश करते हैं पहले ही कि मतलब क्या एक प्रीरिक्विजिट होना चाहिए परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो सबसे पहला होता है कि जब भी परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में जहां भी ओनली सिर्फ परसेंटेज वैल्यू हो, जैसे ये परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यू, सो वी विल ऑलवेज ट्राई टू एज्यूम द वैल्यू, इंटीजर वैल्यू. उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन विल बिकम वेरी इजी. नहीं तो अगर हम वेरिएबल में लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई एंड ए बी सी व्हाटएवर, सो वहां पे कैलकुलेशन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, कैलकुलेशन भी होगा और आप एग्जाम टाइम में या मॉक टाइम में आप गलतियां भी कर पाओगे. सो इसीलिए जहां भी जब भी क्वेश्चन में परसेंटेजेस प्रॉफिट एंड लॉस, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज दिया है कि लेट सपोज कि यहाँ पे 33.33% दिया है, यहाँ पे 37.5, यहाँ पे 50, 40, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एक वैल्यू लेंगे, एक वैल्यू, ऐसा वैल्यू लेंगे, अज्यूम करेंगे जो कि परसेंटेजेस का जो फ्रैक्शन वैल्यू है उससे वो कैंसिल आउट हो जाए. मतलब जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ, ये वाला 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3. सो वी विल अज्यूम दोज वैल्यू विच मल्टीपल ऑफ 3. Means that we can take 6, 9, 12, 30, 90 और मतलब 3 का मल्टीपल. अब देखो इसमें भी हम क्या बोलते हैं कि ऐसा वैल्यू लेंगे जो 10 का मल्टीपल हो तो बिकम वेरी इजी कैलकुलेशन. सो 3 का 30 ले लेंगे या फिर 60 ले लेंगे, सो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी होगा. अभी आप इतना ज्यादा मत सोचो कि हाँ एज्यूम वैल्यू कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं. आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें बहुत इजीली, मतलब जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं ना, एकदम कॉन्शियस माइंड में होता है. सो ये भी चीजें कॉन्शियस माइंड में आपको एज्यूम करने की आदत हो जाएगी विद द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन. सो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. हाँ, और एक चीज, अगर बाय द वे जैसे कुछ परसेंटेजेस दिया फिर कुछ वैल्यू दे दिया, मतलब एक क्वेश्चन जैसे ये मान लो कि डिक्रीज बाई 33.33%, अब कुछ आगे क्वेश्चन में फिर कुछ इंटीजर वैल्यू दे दिया, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे ना कि उसको वेरिएबल में लेंगे, मतलब एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, लेकिन ये भी प्योर एक्स और प्योर वाई नहीं लेंगे. यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि 100x या फिर जो परसेंटेज है उसका इंटीजर वैल्यू का मल्टीपल लेंगे. मतलब जैसे 33.33 तो 1/3 होगा, 1/3, सो इसका हम मल्टीपल लेके यहाँ पे जैसे 30x ले लिया, 300x ले लिया, ऐसे वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बिकम इजी और टाइम भी ना लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में. अब पहला क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं. ये एक थोड़ी सी मतलब ज्ञान वाली चीजें हैं. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहला. सो यहाँ पे देखो क्या है कि ब्रेथ डिक्रीज हुआ है 33.33%. सो लेट्स लेंथ और ब्रेथ, ये रेक्टेंगल हो गया मेरा. मान लो कि ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है. मींस जो हम लोग, एक तो पुराना वैल्यू और एक नया वैल्यू जो आएगा वो. अब देखो क्या बोल रहा है कि ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 1/3% और 33.33%. सो अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू है तो वी कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू विच इज द मल्टीपल ऑफ
सो यहाँ पे मैं 30 ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ब्रेथ हम लोग 30 ले लिए। अब वो रहा है कि 33.33% से डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में क्या बताया था कि जब भी डिक्रीज करे तो ये जो 1 है इसको 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 2, और नीचे वाले को एज इट लिख देंगे 3। मतलब इसका पूरा जो कैसे ये आया है, ये चीजें मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको क्लियर नहीं बाय द वे यहाँ पे हुआ तो आप कॉन्सेप्ट वीडियो चेक कीजिए, वहां से आपको बहुत अच्छे क्लैरिटी मिल जाएगी। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंपल टू बाई थ्री, और जो वैल्यू मैंने अज्यूम किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो बिकम 20। सो 30 में अगर हम 33.33% डिक्रीज किया तो 20 वैल्यू है। सो न्यू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20। अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट लेंथ, लेंथ को कितना इंक्रीज किया जाए कि ये दोनों जो एरिया है वो सेम है। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब सपोज मान लो हम लोग एरिया एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, 300 ले लिए, आपको जो लेना है 300 का मल्टीपल वो ले लो। अब दोनों का एरिया सेम है तो यहाँ भी 300 होगा। अब जब मुझे एरिया पता है, ब्रेथ पता है, तो लेंथ हम निकाल देंगे, 300 डिवाइडेड बाई 30, हाउ मच 10। सेम हेयर, 300 डिवाइडेड बाई 20, हाउ मच 15। सो अब देखो यहाँ पे ये 10 था और 15 हो गया। सो कितना का, कितना परसेंट का लेंथ इंक्रीमेंट हुआ। तो मैंने इन परसेंटेज इंक्रीज के लिए भी बताया था कि इससे हम कंपेयर कर रहे हैं 10 से, तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और इस दोनों का डिफरेंस तो 5 × 100, सो 250%, 50% का इंक्रीज हुआ है लेंथ में टू मेंटेन द सेम एरिया। यहाँ से आपको डायरेक्ट भी दिख रहा होगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे वैल्यू को एज्यूम करना है और कैसे डिक्रीज हुआ तो डिक्रीमेंट वाला जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वहां से करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इस पे है, फ्रेम पे जो पहला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सिर्फ एक परसेंटेजेस का वैल्यू चेंज है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, सॉल्व आप लोग करेंगे और जो आंसर आएगा उसको आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। अब देखो 37.5%, 37.5% इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कैसे ले सकते हैं, 25% प्लस 12.5%, सो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू इज 1/4, 25.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू इज 1/8। टेक एलसीएम 8 4 2 + 1, सो 3/8। सो 37.5 का फ्रैक्शनल वैल्यू इज 3/8। सो यहाँ पे हम 8 का कोई मल्टीपल वैल्यू लेंगे, मतलब जो हम ब्रेथ एज्यूम करेंगे वो 8 का कोई मल्टीपल लेंगे, फिर वहां से अगर यहाँ पे डिक्रीज है तो उस 8 के जो मल्टीपल वैल्यू लेंगे उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 है यहाँ पे 3 है तो 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। सो 5/8 × लेट सपोज मैंने 8 का मल्टीपल 80 एज्यूम कर लिया, सो 80, सो हाउ मच विल बिकम 50। सो मतलब 80 था वो बन गया 50 ब्रेथ। सेम वैसे एरिया आप कोई अज्यूम कर लो, फिर वहां से लेंथ निकल जाएगा, फिर लेंथ निकल गया, फिर यहाँ का लेंथ निकल जाएगा, यहाँ का लेंथ निकल जाएगा, और सिंपल आप परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगा दो, सॉल्यूशन हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। आप आंसर कमेंट कीजिए सॉल्व करने के बाद, मैं देखूंगा कितने लोग सही कर रहे हैं कितने लोग गलत कर रहे हैं, बट आई एम होपिंग दैट सब कोई सही करेंगे क्योंकि बहुत बेसिक है और ऐसा सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी रीड करते हैं साथ में थर्ड क्वेश्चन। इन अ टेस्ट राम गेट
गॉट 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड श्याम गॉट 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। राम उस स्कोर वाज लेस देन श्याम बाई कितना परसेंट? वेरी बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो परसेंटेजेस परसेंटेजेस में है, मतलब ये दोनों परसेंटेजेस में है, तो हम क्या करेंगे? जब मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेजेस में हो, वी विल ट्राई टू एज्यूम द वैल्यू विच इज द मल्टीपल और इंटीजर वैल्यू कोई भी। बेसिकली हम लोग परसेंटेज में 100 मैक्सिमम एज्यूम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम में भी डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करते हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम मार्क्स हमें एज्यूम कर लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स हम लोग कितना एज्यूम कर ले, लेट्स सपोज 100, कैलकुलेशन इजी होगा। अब तो क्या बोल रहा है कि राम गॉट 40% मैक्सिमम मार्क्स का, 40% राम लिया मतलब 40 मार्क्स आया, 40% मतलब यही ना, 40% डिवाइडेड बाय इनटू मैक्सिमम मार्क्स 100, कैंसिल आउट, सो 40। सेम श्याम 50% मीन्स 50 मार्क्स लिया। अब देखो क्या बोल रहा है कि राम स्कोर वाज लेस देन श्याम बाई कितना परसेंट, मतलब राम का स्कोर श्याम से कितना कम है, तो कितना कम है। अब देखो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, श्याम से कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 50, दोनों का डिफरेंस 10 × 100, 52, सो 20%। सो राम का मार्क्स श्याम से 20% कम है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर कोई डाउट है डू कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं गाइस। अशोक सैलरी इंक्रीज्ड बाय 25% दिस ईयर, मीन्स दैट प्रीवियस ईयर जो भी सैलरी था उससे 25% इंक्रीज हुआ है। बाय व्हाट परसेंट वाज हिज लास्ट ईयर सैलरी लेस देन द दिस ईयर। सब देखो यहाँ पे भी परसेंटेजेस है, हम लोग कोई सैलरी का वैल्यू ले सकते हैं। अब 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो हम 4 का मल्टीपल कुछ भी ले ले। तो लेट सपोज कि उसका जो इस मतलब प्रीवियस ईयर का सैलरी था 40 था, टेक एग्जाम्पल 40, या फिर हम 100 भी ले सकते हैं, 100 लेते हैं, बेसिकली कैलकुलेशन अपना ईजी होगा, तो 100 ले लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 25% का इंक्रीज हुआ, सो 100 में 25% का इंक्रीमेंट 125 होगा, सिंपल बेसिक, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। जैसे अगर 25% का यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है तो कैसे करेंगे, मतलब ये फ्रैक्शन वाला मैं जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो बता देता हूँ। इंक्रीज करना है तो ये 4 1 ऐड कर लेंगे, 5/4 × 100, 25 × 5 = 125, सो ये सेम आ गया 125। ये चीज़ें आपको ये बहुत बहुत आसान कर देता है फ्रैक्शन और मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली कॉन्सेप्ट चीज़ें को बहुत आसान कर देता है। सो ये आपको मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हाँ कैसे होगा क्या होगा, अदरवाइज मतलब फिर आप बहुत मैनुअल कैलकुलेशन करोगे, उसमें टाइम जाएगा, कैलकुलेशन एरर तो होंगे ही होंगे, सो अलग। तो यहाँ 125 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि भाई व्हाट परसेंट हिज लास्ट ईयर सैलरी लेस देन द दिस ईयर, मतलब दिस ईयर सैलरी कितना कम है। सब सिंपल हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, दिस ईयर सैलरी से 125, सो 125 दोनों का डिफरेंस 25 × 100, 25 × 5 = 125, 5 = 20, सो 20%। 20% क्या है उसका परसेंटेज, 20% सैलरी कम है दिस ईयर से, मतलब लास्ट ईयर जो सैलरी था 20% कम है दिस ईयर से, मतलब करंट ईयर से। सो आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो एकदम प्योर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, जो मैंने वीडियो वन जो कॉन्सेप्ट वीडियो है उसमें पढ़ा है उस चीज़ों को क्लियर कर दे, बस वैसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। बाद बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th नंबर। द प्राइज ऑफ ए वॉकमैन इंक्रीज बाई 20%, बाई वॉट परसेंट शुड द न्यू प्राइज बी डिक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइज। अब यहाँ पे 20% है, कुछ वैल्यू वगैरह नहीं है, सिंपल हम वैल्यू कोई एज्यूम कर लेते हैं
मतलब प्राइस ऑफ वैकमैन का वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज प्राइस ऑफ वैकमैन 100 है, क्या बोल रहा है कि 20% इंक्रीज हुआ, मतलब ये प्राइस हो गया अब 120। 20% 100 का 20% 20 इंक्रीज हुआ तो 120 हो गया। अब बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंट शुड न्यू प्राइस, अब न्यू प्राइस मतलब ये 120 है, इसको डिक्रीज किया जाए कि वो 100 पे आ जाए, मतलब ओरिजिनल प्राइस पे आ जाए। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल ओरिजिनल प्राइस से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 120 होगा, दोनों का डिफरेंस 20 × 100, सो 600/6=16.66%। सो जो न्यू प्राइस है उसमें 16.66% का डिक्रीमेंट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 16.66% क्या होता है, 1/6 होता है। अब डिक्रीमेंट है तो मतलब 6 में से 1 कम होगा, ये 5/6 किस पे कर रहे हैं, 120 पे, 120 देख लो, वेरीफाई आंसर 100, जो मैंने 100 रिज्यूम किया था वो 100 आ गया डिक्रीमेंट करके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बहुत बेसिक बेसिक है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन सिक्स पे आते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन सिक्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए जैकेट डिक्रीज बाय 20% इफ नाउ सेल फॉर 20 रुपीज, व्हाट वाज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट। देखो यहाँ पे एक वैल्यू आ गया, अब वैल्यू आ गया तो हम कोई इंटीजर वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते, मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू कोई एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे मैं कोई एज्यूम करता हूँ, जैसे मान लो कि सेलिंग प्राइस ऑफ जैकेट इज डिक्रीज बाई 20%, सेलिंग प्राइस कुछ था उसमें 20% का डिक्रीमेंट हुआ है, और वो डिक्रीमेंट होने के बाद वो उसका वैल्यू 20 आ रहा है। तो लेट सपोज कि जो इनिशियल सेलिंग प्राइस था वो था 100x, अब जो न्यू सेलिंग प्राइस हो गया उसमें 20% का डिक्रीमेंट हो गया, सो द न्यू सेलिंग प्राइस विल बिकम 80x। 100x में 20% का डिक्रीमेंट विल बिकम 80%, सिंपल 100 में 20 सब्ट्रैक्ट। अब ये बोल रहा है कि इट इज नाउ सेल फॉर 20 रुपीज, इट मीन्स दैट न्यू सेलिंग प्राइस 80x इज इक्वेलेंट टू 20 रुपीज, सो 80x = 20 रुपीज, सो x = 20/80 मीन्स 1/4। अब x का वैल्यू 1/4 है, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर, व्हाट वाज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मीन्स दिस इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज, सो पुट वैल्यू ऑफ x 1/4, सो 25, 25 इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, एंड इफ आई पुट एक वैल्यू ऑफ एक्स हेयर तो 20 20, तो ये होगा अगर 25 में अगर हम 20% डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू वुड बी 20 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। बस यहाँ पे सिंपल वैल्यू एज्यूम कैसे करना है और फिर चीजें बाद बाकी सिंपल है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशांत मार्क्स हिज गुड एट 35% अबव देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ 17.5%, सो व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डज ही मेक। अब देखो यहाँ पे कुछ सीपी एसपी और वो सभी चीजें आ गए हैं, तो हम थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं कि कैसे होता है। जैसे देखो गाइज, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका एक सीपी होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस,
अब उसपे जो रिटेलर और सेलर क्या होता है, कुछ इंक्रीमेंट करके मार्क प्राइज कर देता है। मतलब जैसे हम नॉर्मल शॉप में जाते हैं तो जो शॉपकीपर है वो कुछ प्राइज में वो खरीदता होगा, जो भी कमोडिटी है उस पे वो कुछ परसेंट बढ़ा देता है, और वो मार्क प्राइस जो हम लोगों को लिस्टिंग प्राइस दिखते हैं शॉप में वो होता है। फिर वो शॉपकीपर क्या करता है, बोलता है कि हम जो मार्क प्राइस है उस पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट देने के बाद बोलता है कि हम इस पे ही बेचेंगे, तो वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे कुछ परसेंट इंक्रीमेंट करके जो शॉपकीपर वैल्यू लगाता है कस्टमर के लिए वो होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब वो सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, अगर शॉपकीपर बोले कि जितना प्राइस है उतना पे ही मैं कमोडिटी या फिर जो भी सब्सटेंस है उसको सेल करूंगा, तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। अगर वो बोले कि जो प्राइस है उस पे मैं कुछ परसेंट डिस्काउंट दे के सेल करूंगा, तो डेट प्राइस विल बिकम मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे कुछ बढ़ा वो मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट मिला वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो ऐसे चीजें चलती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन जो 7th नंबर है। क्या बोल रहा है कि जो गुड्स है उसको 35% अबव द कॉस्ट प्राइस करता है, और यहाँ पे डिस्काउंट देता है 75.5 17.5%। अब देखो यहाँ पे दोनों परसेंटेजेस वैल्यू है, सो हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू एज्यूम कर लेंगे ताकि अपना कैलकुलेशन इजी हो। अब लेट सपोज कि मेरा सीपी था, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, 35% ऊपर करके मैंने उसका मार्क प्राइस किया, तो मार्क प्राइस इस पे इंक्रीमेंट होगा सीपी पे। 35% इंक्रीमेंट किया सो हाउ मच विल बिकम द मार्क प्राइस, 135। अब इस पे बोल रहा है कि 17.5% का डिस्काउंट दिया और उतने पे वो बेच दिया, मतलब जो एसपी है उस पे वो एसपी है जो मार्क प्राइस पे 17.5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो हमें अभी एसपी निकालना है तभी तो जाके प्रॉफिट निकलेगा। सीपी माइनस एसपी और परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब देखो एसपी निकालना है मतलब सिंपल है, 135 में मुझे 17.5% सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 17.5% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। देखो 17.5% सिंपल हो जाएगा, 5 प्लस 12.5%, 5% कितना होगा, 1/20, 12.5% 1/8, टेक एलसीएम 42 प्लस 5 7/40, 17.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 7/40 आ गया। अब देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट है, मतलब 135 में 17.5% डिक्रीज ही हो रहा है ना, तो डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40 में, सो ये हो जाएगा 33/40, और किसमें डिक्रीमेंट कर रहे हैं 135, तो 135 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अब सॉल्व करते हैं, सो 8 5 जा 40 और 2 7 17 15 17 27 5 जा 135। अब कोई क्रॉस मल्टीप्लाई तो होना नहीं है, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सो 33 और 27, तो 27 13 जा 81, सॉरी 3 जा 27 3 जा 81, सो ये 198, सो 891/8। अब इसका क्या होगा, 1 1 1.30, सो 8 4 3 24 6 0 8 7 जा 56 40, सो 5 1 1 1.375। सो सेलिंग प्राइस क्या है, 111.375, इतना आ गया सेलिंग प्राइस। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या है, जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था फॉर्मूला, सिंपल सा है कि
जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी होता है, ये 100 है, यहाँ 11.375 है, सो 11.375 आएगा, डिवाइडेड बाई सीपी, सीपी इज हाउ मच, 100 इंटू 100, ये आ गया परसेंटेज प्रॉफिट, 100 100 गॉट कैंसिल आउट, सो हाउ मच, 11.375% प्रॉफिट सुशांत मेक। सो आई होप आपको ये क्लियर हो हुआ होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज, यू लाइक लाइकिंग माई सॉल्यूशन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एग्जाम रमेश गॉट 25% मोर मार्क्स देन सतीश, बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑफ सतीश लेस देन दोज ऑफ राम। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बस इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कोई भी, लेट सपोज 100 लेते हैं वैल्यू, कि राम गॉट 25% मोर मार्क्स देन सतीश, मतलब सतीश से 25% राम को ज्यादा मिला है, तो हम लोग वैल्यू किसका एज्यूम करेंगे, सतीश का। सो लेट सपोज सतीश ने 100 मार्क्स लाए, राम कितना लाएगा, 125, 25% मोर है, इसका 25% 25 हो जाएगा, 100 प्लस 25 25। अब बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑफ सतीश लेस देन राम, राम से कितना लेस है, मतलब राम से कंपेयर हो रहा है, सो डिवाइड में हम लोग राम का मार्क्स लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस 25 इंटू 125, 100 बाई 16.66%, मतलब ऑप्शन ए। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो चीजें करनी है। पढ़ते हैं आगे। चार क्वेश्चन और बाकी हैं, 9 10 11 12। सॉरी 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 सॉरी, हाँ 9 क्वेश्चन रीड करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बाइक इज 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, तो उसका प्रॉफिट निकालना है, वेरी बेसिक कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 60% सेलिंग प्राइस का, तो हम लोग कौन सा वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। लेट सपोज कि सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 60 60 100 100 डॉट कैंसिल आउट, सो विल बिकम 60, तो कॉस्ट प्राइस 60 होगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोगों को पता है कि जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, सो 60 माइनस 100 विल बी 40 डिवाइडेड बाई सीपी, 60 इंटू 100 कैंसिल आउट, 2 3, सो 2 बाई 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 3, सो 66.66, 66.66 आंसर हो जाएगा इसका। आई होप क्लियर है आपको, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसके लिए ही इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ, और कोई इंटेंशन नहीं है मुझे इतना बेसिक क्वेश्चन कराने का, क्योंकि कैट में इतने बेसिक आते नहीं है, लेकिन हाँ ये बेसिक बहुत जरूरी है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता ना, तो आप अच्छे क्वेश्चन में मतलब नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, और अगर कर भी पाए तो मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उतना टाइम तो हम लोग के पास होता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है। कैट में मैंने एक देखा है ना, कि बेसिक बहुत टेस्ट करते हैं कैट वाले, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, बहुत मतलब वो लोग ये चाहते हैं कि बेसिक पे ही आपका टेस्ट लिया जाए, सो इसीलिए बेसिक समझना बहुत जरूरी है कैट के लिए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड करते हैं। गणेश बॉट अ बाइसाइकिल फॉर 1200 एंड सोल्ड इट फॉर 1400, परसेंटेज प्रॉफिट इसका निकालना है। वेरी बेसिक है यार, इसमें कुछ करने के ऐसा मुझे नहीं लगता नीड है। मतलब परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आपको पता है कि सीपी माइनस एसपी होगा डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। सो 200 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100। सॉरी गाइज, नेट चला गया था। सो हम लोग 10th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सो 10th क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, बस सिंपल बेसिक है कि हाँ मतलब CP 200 है, बॉट मतलब CP 1200 और सोल्ड SP 1400। सो हम लोगों को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेसिक है, सिंपल है, कुछ नहीं। जो परसेंटेज, एक सेकेंड, परसेंटेज जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ये CP SP माइनस CP। सो हाउ मच, 200 डिवाइडेड बाय CP 1200 इंटू 100। इसको हम लोग 600 बाई 6 मीन्स 16.66% का प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर होगा। 11 नंबर देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए शुगर बिकम 7.25 रुपीज पर केजी आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 45%। और फाइंड द ओरिजिनल शुगर प्राइस ऑफ, ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ गया, परसेंटेज है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। हमको फ्रैक्शनल वैल्यू लेना पड़ेगा, तो हम वो चीज़ पे डील करते हैं। देखो क्या है, अब कितना फ्रैक्शनल वैल्यू ले, 7.25 कुछ भी ले लेते हैं, 100x लेते हैं। लेट सपोज कि प्राइस था 100x, उस पे क्या हुआ कि बिकम 7.25 कब, जब आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 45%। 45% का इंक्रीमेंट हुआ तो कितना होगा यहाँ पे, 45% का इंक्रीमेंट। तो ये 100 है, 45% का इंक्रीमेंट, सो ये 145x हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ये 145x है वो 7.25 रुपीज के इक्वल है। मतलब 145x इक्वल टू 7.25। सो x इक्वल टू 7.25 बाई 145। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमको ओरिजिनल प्राइस शुगर का निकालना है, मतलब 100x का वैल्यू। तो x का वैल्यू वहां पुट कर देते हैं। सो 100 × 7.25 डिवाइडेड बाई 145। तो ये 100 है, ये 7.25 है, सो विल बिकम 7.25 डिवाइडेड बाई 145। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 14 है ये, 14 145 है ना। सो 14 5 = 70। अच्छा, 145 से ये क्रॉसी खत्म ही हो जाएगा, मतलब 5 145 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। मतलब जैसे 140 × 5, 14 5 = 70, सो ये हो जाएगा 700। और ये 5 × 5 = 25, सो ये हो जाएगा 725। मतलब 5 से ही डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इज 5 रुपीज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन आज का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। गाइज, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक माई, मतलब वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल नहीं। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि देर आर 40 एम्प्लॉय इन अ कंपनी, इन द कंपनी द इनिशियल सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज इज सेम। मतलब सारे एम्प्लॉय का सैलरी सेम है। इफ द सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉय आर इंक्रीज्ड बाई 10%, मीन्स दैट 10 एम्प्लॉय का सैलरी 10% से इंक्रीज हो रहा है।
एंड द सैलरी ऑफ रिमेनिंग एम्प्लॉय मीन्स रिमेनिंग एम्प्लॉय कितना होगा, 40, सॉरी 30, 40 था, 40 था, 10 का इंक्रीमेंट 10% हुआ, रिमेनिंग 30 हुआ, उसका इंक्रीमेंट 30% हुआ। सो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, मतलब एक्यूमुलेट करके टोटल, मतलब इनिशियल 40 एम्प्लॉय का सैलरी कितना था टोटल, और बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद कितना हुआ, उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, वो हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सारे चीजें परसेंटेज में दी है, वहां पे 10 एम्प्लॉय 40 एम्प्लॉय दिया है, तो उसको हम उससे हमको ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई के पर्पज से यूज करना है। अदरवाइज जितने भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट दोनों इंक्रीमेंट है वो तो परसेंटेज के वैल्यू में है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू जो है उसको हम एज्यूम कर लेंगे कोई वैल्यू। तो लेट सपोज कि इनिशियल जो सैलरी था वो 100 था, इनिशियल जो सैलरी था वो 100 था सारे एम्प्लॉय का। सो टोटल 40 एम्प्लॉय थे, तो टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, 4000। एक एम्प्लॉय का सैलरी 100 है, तो 40 एम्प्लॉय का सैलरी 400 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि 10 एम्प्लॉय का सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। सो सपोज एक एम्प्लॉय का सैलरी मतलब 100 में 10% का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 110। वैसे ही 10 एम्प्लॉय का सैलरी में इंक्रीमेंट, तो इनटू 10 कर लेंगे, टोटल इंक्रीमेंट विल बी 1100। सो ये अपना टोटल इंक्रीमेंट हो गया। अब बोल रहा है कि जो रिमेनिंग बचे, मतलब रिमेनिंग 30 एम्प्लॉय, उसके सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट हुआ। सो अब 100 में 30% का इंक्रीमेंट 130 होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, 13 3 39 00। सब देखो ये 10 10 एम्प्लॉय का सैलरी हुआ आफ्टर इंक्रीमेंट, और ये 30 एम्प्लॉय का सैलरी हुआ आफ्टर इंक्रीमेंट। सो आफ्टर इंक्रीमेंट द टोटल सैलरी ऑफ 40 एम्प्लॉयज, सो 3900 प्लस 1100 इज 500। तो देखो ये 500 इंक्रीमेंट के बाद आया सैलरी, और इनिशियल था 400। अब बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा टोटल सैलरी में, तो परसेंटेज इंक्रीज हमको निकालना है। इस पे परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा 400 पे, तो ये दोनों का डिफरेंस 1000 डिवाइडेड बाई 400, सॉरी 4000 इंटू 100, 425। सो 25% का, मतलब ऑप्शन ए हुआ इसका आंसर, 25% का इंक्रीमेंट हुआ। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर सब चीज सही है, मतलब क्लियर है क्वेश्चन वगैरह, सब चीज कॉन्सेप्ट सही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।